जी राशन कार्ड लाइए। राशन कार्ड काहे का लाने राशन कार्ड? अरे लाएंगे तो तभी तो बताएंगे किस लिए लाना है। गल्ला वल्ला नहीं लेते यहीं, रखा रहते हमारे लगे। ये धनी राम का घर है ना? हाँ धनी राम का घर है। कितने राशन कार्ड बने हुए हैं तुम्हारे घर पे? नहीं बाबूजी पता कहे खातिर मोर कोटा मानी 5 राशन कार्ड लेके नहीं उगती है। और तुमका मालूम नहीं यहाँ का राशन कार्ड है साहब? ये की बातन मना हुआ, इनका राशन कार्ड निकलवा मालूम है इनके लगे का का है। तो सारा डेटा मैंने देख लिया है जी। देखिए ज्यादा चपर मत करिए, राशन कार्ड चुपचाप निकाल के लाइए। देखो वैसा है, मैं हूँ अनपढ़ औरत, ठीक है? मुझे नहीं पता कौन राशन कार्ड है, कौन पहचान पत्र है, कौन आधार कार्ड है। हाँ जबरदस्ती करिए तो बता दे दिया हूँ, हल्ला मचा के पूरे गांव भर का इकट्ठा कर लेंगे। अरे तुम तो बहुत चालाक हो साहब। एक बात बताऊं, गांव की औरतें बहुत चालाक है, इनसे संभल करिएगा। तभी मैं आपसे कह रहा था कि एक लेडीज कांस्टेबल ले लीजिए साथ पे, लेकिन नहीं आप अपनी बात मान ही नहीं रहते मेरी बात। बहन जी देखिए हम आपसे शराफत से बात कर रहा है, कोटेदार भी खड़ा है और कोटेदार का वो नौकर भी खड़ा है साथ में जो गल्ला देता है आपको, भला वो सब डिटेल हमें दे चुका है कि किसके पास कितने राशन कार्ड है गांव के अंदर और क्या क्या है उनके घर पे है। ए साहब देखते नहीं हूँ मोर माटी का घर है वे? कहाँ तो है मोर महल दिखाई देता है, जब से वो आदेश का निगरा देखे लगे। महल हो, चार पहिया हो, दुई पहिया हो, इन्वर्टर, एसी, कूलर, फ्रिज है, कहाँ है तुम्हें दिखाई दे? देखते नहीं हूँ ये कोठरिया मरा दी हूँ माटी के है। ये बहन जी अपनी सीमा लांघिए मत, बहुत झूठ बोल लिया आपने भला। अगर आप राशन कार्ड नहीं देंगी तो हम तो काट देंगे, मेरी डायरी पे सारा डेटा हुआ है, मतलब सबके नाम लिखे हुए हैं। अगर आप राशन कार्ड नहीं देंगी तो मैं तो काट ही दूंगा, और साथ में जितना भी आपने फ्री गल्ला लिया है वो सब वसूलवा लूंगा, ध्यान देना 2.5-2 लाख रुपए सब वसूलवा लूंगा। हाँ ना चुपचाप सरापत से राशन कार्ड दे दो। ऐसी बात है तो जा वसूल ली लो, जा जा नहीं देती हूँ राशन कार्ड, जा नहीं देती हूँ जा। अरा भगवान राशन कार्ड के चेकिंग चालू ही देखा, जाती हूँ तुर्रा वाली का बताऊँ कैसा तुर्रा वाली के लगे तो सब कुछ हुआ है। कोटेदार साहब, ओ कोटेदार साहब। हाँ हाँ साहब बताओ। देखा आपने ये महिला हमसे किस अभद्रा में बात कर रही है, इसकी डिटेल मुझे लाके दीजिएगा भला। हाँ सारे राशन कार्ड इसके रद्द करूंगा, इसके घर में नोटिस भेजाऊंगा। और बताओ इस गाँव में कितने गरीब कितने अमीर है, जल्दी जल्दी बताओ हमको। साहब ये तुम गाँव को न देखा, ये गांव के भेष में छुपे अमीर रहा थे। हाँ सबन के घर में ट्रैक्टर, खेती और चार पहिया, दुई पहिया और ट्यूब बेल, इन्वर्टर और फ्रिज और टीवी और जमीन तो बहुत सारी है। है तो चलो तुम मोरे साथ चलो, मैं तुमको दिखावो तू चलो। हाँ चलो चलो साहब, इसका क्या करना है इस औरत का? कुछ नहीं बस नोटिस आएगी, हाँ घर नीलाम होने वाला है इनका, क्यों परेशान हो तुम? ए का कहा था तै? कुछ नहीं आप भरपाई करेंगी और क्या। हाँ तो दे दिया हूँ, चुपचाप निकल ली नहीं ऐसे जितनी जल्दी हुई सके, नहीं तो मैं तोर भरपाई कर देंगे। निकल मोरे घर से, तू उठा के चले आए जब फ्री देते, जब न मना कर पा रहे थे है? कि कहे फ्री देते पैसा मत, अब जो तो राशन कार्ड काटे चले आए हैं। तो फ्री तुम लोगों के लिए थोड़ा ना था, जो गरीब थे जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए फ्री था। तो फिर सबके राशन कार्ड कहे बनवाए, वह समय रोक दो चाहे सबन के राशन कार्ड है। अब इस औरत से बहस करने कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से अभी, जब आपके पास कोई लेडीज कांस्टेबल हो ना तब आइएगा इसके पास। कोटेदार जितना करवा रहा हो ना तही समझे फिर आगे। अब चलिए तो, मैं इस औरत के मुंह नहीं लगना चाहता। तार की चप्पल 50 ठमर गयो, औरत के मुंह नहीं लगे चाहते हूँ, कहे का है तो मोरे दरवाजे मारी दुआरे में मा। एनजी बहुत हो गया भला, शांत हो जाइए अब। अब चला तो तुम यहाँ से। सर सर सुनिए सर, हेलो। हाँ बोलो भाई। इस औरत से बात करने कोई मतलब नहीं है, चलिए साहब चलिए आप। हाँ चलिए चलिए। कुल की भवनिया ना सुई जाए, राशन कार्ड काटे आओ रहा दही जार, भागिन जाए मो दुआरे से तो ही कटवाओ तुम राशन कार्ड अबे अच्छे से, स्वाढ़ा मंत्री बने चलो आओ है। कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो रामा कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। भौजी 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 का हुई का बताओ सब आली, आखिर इतना घबरान का है यहाँ, तुम्हें कोनो पहटे वहटे है का है, का हुई का भौजी वह भौजी? अरे रुक थम फिर बता, थोड़ी सांस ले ले, थोड़ी सांस ले ले। अरे भौजी सांस लेगा टाइम नहीं है मोरे लगे, वही राशन कार्ड वाले अधिकारी आवत है घर घर जांच कर रहे हैं राशन कार्ड काटे का लाने, केखे लगे काका है, ट्रैक्टर है, जमीन है, चार पहिया है, कूलर है, इन्वर्टर है, एसी है, है? पक्का घर देखा थे है? तो वह राजापुर वाली के लगे ठार रहे, राजापुर वाली उनसे कनकना के लड़के है वो एकदम से है, तो भाग आए है लागत तो लगे ये अब, और साथ में कोटेदार भी है वो सबन के घर घर बतावत फिरा था वे। आई गो आज अब मैं का करी हो, मैं कैसे बची हो, मोए लगे तो 10 राशन कार्ड आए।
अरगोहार सब कुछ हुआ वे। ट्रैक्टर है, भैंसी है, गोरु बछेरू है, चार पहिया है, मोटरसाइकिल है, पांच पांच छह चार पहिया भैया। अरे मोर लगे, अब मोर लगे तो दू दू का पक्का मकान बना है। अरगोहार अगर उनका पता चल गया तो मकर घो का मोर तो पूरा राशन कार्ड कट जाएगा है। अरे भाऊजी तुम्हारे लगे तो मनमानी संपत्ति या है, चोरी चोरी चुपके चुपके बनाए हो इतनी संपत्ति, कोनो को बताए ना भला। बताने की जरूरत ही नहीं है, वो कोटेदार सब जानत है। अरे नाथ पीटी तो शांत रहो, तक आया सतिया। साहब ये है तुर्रा वाली, इसके पास अपार संपत्ति है। क्या क्या है? चार था चार पहिया, तीन था ट्रैक्टर, पांच था मोटरसाइकिल है, कम से कम 100-100 बीघा खेती, और भैंसी कम से कम ना हुई तो 10 भैंसी, और गैया छेरी बकरी, और पक्का मकान 3-3 भैया। अरे ये तो असामी है बैठी है फिर रुपयों में, इसके पास भी राशन कार्ड है क्या? अरे साहब जितने राशन कार्ड गांव में ना हुए उतने राशन कार्ड ये खे लगे हैं। मतलब सारे गरीबों का अनाज ये खा जाती थी क्या? भी तो इतनी मोटी है। भौजी आ गए हुई, कुआ भैया मोरे घर में कुआ आगा। ये क्या आँख से अंधी है क्या ये? अब ये दुनिया को अंधा बना देगी, लेकिन ये खुद अंधी नहीं है। मतलब नाटक कर रही है क्या? नहीं भाई मैं कहे नाटक कर रही हूँ, मैं सचमुच की अंधी औरत हूँ। दिन भर खटोली में बैठे बैठे मोर दिन निकल जाते, यार समझ में नहीं आवाता मुई का, कबे रात भे कबे दिन भा। अरे भैया है ना कोनो टाइम है बता दे, का टाइम है मैं समझ जाइयो की दिन भा की रात। आता जी दिन के 2:45 हो रहे हैं। खुश रहो बेटा खुश रहो, 100 साल तक जी दादू था, 100 साल तक है। तोर परिवार हंसत ख्यालत रहा है इंतना फूले फले। रावाली भाऊ जी तो अच्छी चाल चल दी ने। माता जी हम जिस काम से आए हैं हम आपको बता दें, हम जो तो राशन कार्ड के अधिकारी हैं बाबूजी, हम ये पूछ रहे हैं आपके पास राशन कार्ड कितने हैं? ए बेटा अंधी औरत के लगे भला राशन कार्ड भी हुई है। आपका गांव का कोटेदार तो बोल रहा है कि आपके पास 10 राशन कार्ड है। रावाली भाऊजी देखा ड्रामा ना करा भला अंधा बने का, सही सही बता दे अधिकारी खातिर। हाँ मैंने तो तोरपुर पूरी पूरी डिटेल दे देंगे। ए कोटेदार तो इलाज शर्म नहीं आई है, अंधी के लगे कहूँ भला राशन कार्ड हुई, आंखन से दिखाई नहीं देता है, है? मैं तोरे लगे गल्ला ले आती हूँ भला। सबूत है तोरे लगे बता का सबूत है? सबूत तो मोरे लगे बहुत सारे है, लेकिन तो अपने मुँह से कह दे ये तो ठीक है। देखा बाबू जी तुम कोटेदार के बातन मना आवा, मोरे लगे कोनो राशन कार्ड नहीं है, यह 4x4 की खोली है मोरे लगे, अब वो माटी के है तो मोरे लगे कुछ नहीं है। सही मानी तब मोर चाहे हाथ देख ले चाहे पाँव देख ले, आखिर से मान दी हूँ तो मैं कुछ दिखाई सुनाई भी नहीं देता है। यार क्यों यार तुम दूसरों को फंसा रहे हो फर्जी में है क्यों कोटेदार, झूठ झूठ बोल बोल के मेरा भी टाइम खा रहे हो, अपना भी टाइम खा रहे हो, दूसरों को भी टाइम खवा रहे हो। ऐसे ना मुँह खोलिए, इनके लाने मुही लागत है अपन रजिस्टर लेके आओ का पड़ी, अब मैं काल लेके तुम्हारे लगे जो रजिस्टर फिर तुम का दिखाइयो है, और बेइज्जती होती जेखे लगे जातु तो कोनो धुतकार के भगा देता तो कोनो अंधा बन जाता है। हाँ कल तुम सबूत लेके आना तब मैं ज्ञान रक्षण करूंगा पूरे घर घर में, ठीक है? भैया भाई नहीं आ रहा जाकर एक बात तुम्हें कान खोल के समझा देता हूं, अगर समझ में आवे तो ठीक, ना समझ में आवे तो कोनो बात नहीं है। बात यह है कि जो राशन कार्ड है तुम्हारे लगे वो राशन कार्ड का जाके करावो सिलेंडर, कहे से आदेश बहुत सख्त है, नहीं तो तुम्हारा सीधा सीधा चूना लागे 2.5 लाख रुपया का, कहो 2.5 लाख कहो 3 लाख जितना पहुंच जा भगवान जाने हमें तो भी पता नहीं है, हैं तो ज्यादा अच्छा रहिया मां। ठीक है भैया फिर चलते हैं, अगर वीडियो समझ में आ गए हो तो वीडियो कर देना लाइक कमेंट शेयर, और चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल का भी कर देना सब्सक्राइब, ठीक है? तो जय हिंद जय भारत जय श्री राम।